नगर पालिका निगम रिसाली की पार्षद और एमआईसी मेंबर अनूप डे ने रविवार को बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 में एनसीसी के एयरविंग के छात्र छात्राओं का सम्मान किया और देश सेवा के लिए सजग रहने की बात कहते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के पूर्व नगर पालिक निगम रिसाली के पार्षद और एमआईसी मेंबर अनूप डे ने मिसाल कायम करते हुए एनसीसी से जुड़े छात्र छात्राओं का सम्मान कर उत्कृष्ट कार्य किया है। बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी के एयरविंग से जुड़े विद्यार्थियों के सम्मान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अनूप डे ने प्रत्येक कैडेट को मेडल पहनाकर उनका उत्साह वर्धन किया। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना कर छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मान पाकर विद्यार्थियों में हर्ष देखने को मिला। इस अवसर पर पार्षद और एमआईसी मेंबर अनूप डे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाल जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने सेक्टर 10 इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों का सम्मान किया। सम्मान करने का उद्देश्य यह था कि सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के एक फ्रीडम फाइटर थे, जो हमेशा ही देश के हित में ना किसी समाज से ना किसी वर्ग किसी को लेकर के उन्होंने सोचा, वो देश के लिए ही सोचा। और आज किसी समाज और किसी धर्म और किसी इसी जाति को लेकर हम लोगों ने भी ये सोचा कि सब वर्ग को एक हो कर करें, हमको एक आगे बढ़ना है। देश की जो स्थिति हालात है उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे ये कैडेट है एनसीसी कैडेट, ये बेस होते हैं इसका, ये जो बेस है इसी को आप जैसे बनाएंगे वैसे ही वो आगे बढ़ेंगे और उनकी सोच भी ऐसी होगी। उसी को सोचते हुए सुभाष चंद्र बोस जी का हमेशा ही सपना रहा है कि देश के हित पे काम करें, अच्छा काम करें। तो हम बच्चों को यही आज मेडल दे के सम्मान करने आए थे, तो बस यही आज हमारा कार्यक्रम था जी। हाँ, अभी कल हमारा डीपीएस स्कूल का भी है सम्मान करने का, डीपीएस स्कूल के बच्चों का भी आज हम लोगों ने ईयरविंग जो बच्चे सेक्टर 10 के उनको किया, कल मेरिट वो उनका करेंगे कल उनके साथ में। बहरहाल इस अवसर पर नगर पालिक निगम रिसाली के पार्षद और एमआईसी मेंबर चंद्रभान ठाकुर सहित स्कूल के शिक्षक उपस्थित थे। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।